हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं गाइस आप लोग बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक पनीर का रेसिपी शेयर करने वाला हूं, जिसको पनीर भुजरी बोलते हैं। तो इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्दी प्रोटीन मिलेगा, टेस्टी होने वाला है रेसिपी, और इसको आप कभी भी खा सकते हैं, डिनर में खा सकते हैं, या फिर आप चाहे तो लंच में भी इसको ऐड कर सकते हैं। तो मैं भी इसको काफ़ी समय से ट्राई कर रहा हूं और मुझे काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगा, इसलिए मैं सोचा कि ये वीडियो बना दूं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप लोगों को 18 ग्राम का अराउंड प्रोटीन मिलेगा, 100 ग्राम हम लोग पनीर लेंगे उसमें, और 1 ग्राम का अराउंड आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा और 20 ग्राम का अराउंड फैट्स मिलेगा। तो इसको आप इसमें आप लोगों का तीनों चीज़ न्यूट्रिशन मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इसको चलिए हम लोग बनाते हैं। सो गाइस, इसको बनाने के लिए सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लगेंगे ये हम लोग जान लेते हैं। तो हम लोगों को चाहिए टोमेटो, एक टोमेटो को आप चॉप कर लीजिए, एक छोटा सा प्याज आप इसको भी अच्छे से चॉप कर लीजिए, और हम लोगों को थोड़ा सा मसाला चाहिए सिंपल सा, वो मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊँगा। तो पहले आप लोगों को घी डालना है। इसके बाद दोस्तों हम लोग सबसे पहले फ्राइंग पैन में आधा चम्मच घी को डालेंगे, फिर जब वो अच्छे से मिक्स हो जाए हीट से, तो हम लोग उसके बाद टोमेटो और ऑनियन को जो हम लोगों ने चॉप किया उसको हम लोग ऐड कर देंगे, और फिर कुछ समय तक इसी तरह छोड़ देंगे। तब तक हम लोगों के पास जो जो पनीर है, मसाला है, मैंने थोड़ा सा रखा है ये सब, तो हम लोग फिर पनीर को कट कर लेंगे और फिर उसको इसके साथ मिक्स कर देंगे। तो हम लोगों ने जो पनीर को चॉप किया था उसके बाद हम लोग उसमें ऐड कर देंगे और इसको कुछ समय तक इसी तरह छोड़ देंगे, जब तक ये कलर अपना येलोइश ना कर ले, थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने लगे। मसाले ऐड करने से पहले दोस्तों हम लोग इसको हाई फ्लेम में 10 से 15 मिनट तक पहले कुक होने देंगे। आप लोगों को थोड़ा थोड़ा इस तरह से चलाते रहना है फ्राइंग पैन में, नहीं तो फिर वो जल जाएगा। और फिर जब ये अपना थोड़ा थोड़ा कलर चेंज कर ले, तो उसके बाद फिर हम लोग इसमें मसाला ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं हल्दी यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। मसाला में दोस्तों मैंने सिर्फ यहाँ पर रेड चिली पाउडर रखा है और हल्दी रखा है, नमक रखा है और गरम मसाला मैंने रखा हुआ है। रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, ये सब आप लोगों को ऐड करनी है। गरम मसाला आप ऐड कर लेंगे, उसके बाद फिर इसको हम लोग इस तरीके से कुक कर लेंगे और फिर 5 से 10 मिनट और छोड़ देंगे, उसके बाद फिर ये आप लोगों का रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो वेजिटेरियन फूड्स में रहता है उसमें प्रोटीन के ज़्यादा सोर्सेस नहीं रहते, पर आप इसको चाहे तो ऐड कर सकते हैं, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो भी आप इसको टेस्ट के लिए ऐड कर सकते हैं अपने डाइट में, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा आप लोगों को प्रोटीन मिल जाता है और इसके साथ अदर न्यूट्रिशन भी बहुत अच्छा, और ये एकदम लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन है जिसको आप पोस्ट वर्कआउट में यूज़ कर सकते हैं। टोटल 15 मिनट्स में दोस्तों आप लोगों का कुछ इस तरीके से ये आप लोगों को देखने को मिलेगा और ये कुक हो चुका है इसका मतलब। उसके बाद आप लोगों को एक प्लेट में इसे निकाल लेना है और फिर ये कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिखेगा। इसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा टेस्टी है ये, और इसको आप इजीली राइस के साथ या फिर रात को चपाती के साथ आप इसको खा सकते हैं। आप इसको मॉर्निंग में भी चाहे तो खा सकते हैं जिम के बाद, क्योंकि इसमें आप लोगों को 18 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलता है और इसकी टोटल न्यूट्रिशन 250 कैलोरीज़ के अराउंड है। इसमें टोटल आप लोगों को 18 ग्राम से 19 ग्राम प्रोटीन मिलता है और 22 ग्राम के अराउंड फैट्स मिलता है और 2 से 3 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो होप गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ जल्दी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।